देश भर में गऊ रक्षा के नाते हो रही भीड़ वालों हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच कर रही है। 3 जुलाई नूं उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया सी। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई हेठ केंद्र विच सत्ता धिर कौमी जमहूरियत गठजोड़ पार्लीमेंट के मानसून इजलास तो पहला अज मीटिंग करेगा। जिक्र योग है कि संसद का मानसून इजलास भलके 18 जुलाई नूं आरंभ होगा, जिसके हंगामेदार रहने की उम्मीद है। टीवी अते फिल्मी जगत की उगी अदाकारा रीता भादुड़ी का देहांत हो गया है। पिछले काफी दिनों तो रीता भादुड़ी की सेहत विच गिरावट आई हुई सी, उन्हां दी किडनी विच समस्या सी। टीवी शो निमकी मुखिया, सारा भाई वर्सेज सारा भाई, अमानत, एक नई पहचान ते बाइबल दीआं कहानियां समेत रीता भादुड़ी ने दर्जना फिल्मां विच अहम रोल निभाए सन। आमदन कर विभाग ने सोमवार को चेन्नई में एक छापे में 100 करोड़ रुपए कैश और 90 किलो सोना बरामद किया है। ये छापा चेन्नई में सड़क ठेकेदार नागराजन सईदुरई की कंपनी एसकेजी ग्रुप के दफ्तर से मारिया गया सी। आमदन कर विभाग ने तमिलनाडु में 22 वक्त स्थानों पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से आज एक यात्री बस के ट्रक नाल टकरा जाने कारण 40 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों में वधेरे औरतां अते बच्चे शामिल हैं। सारयां नूं आगरा के हस्पताल में दाखिल करवाया गया है। दसिया जा रहा है कि यह बस लखनऊ तो दिल्ली जा रही थी। सब डिवीजन भवानीगढ़ के पिंड पट्टीवाल कलां के एक व्यक्ति वालों दुध चों घाटा पैन से जहरीली दवाई पी के खुदकुशी कर लैण का समाचार प्राप्त होया है। इस संबंधी पिंड के सरपंच करनैल सिंह ने दस्या कि उन्होंने पिंड का अवतार दास जो दुध का काम करता सी, दुध विचों लगातार घाटा पैन कारण परेशानी के चलदियां उसने जहरीली दवाई पी के खुदकुशी कर ली। इस संबंधी पुलिस ने मौके पर पहुंच के कार्रवाई शुरू कर दी है। बीती 5 जुलाई नूं फिलौर दे धार्मिक दरबार तो चोरी हुए बच्चे नूं फिलौर पुलिस लब्भन विच कामयाब रही है। इस संबंधी जदों डीएसपी फिलौर अमरीक सिंह चाहल अते एसएचओ जतिंदर कुमार नाल गलबात की गई तो उन्होंने दस्या कि जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बच्चे नूं परिवार के हवाले कर दिता जाएगा। उन्होंने दस्या कि फड़े गए दोषियों का एक वड्डा गिरोह है, जिन्हों तो अगे भी कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। हड़ प्रभावित जापान हुण भयानक लू की लपेट विच आ गया है। लू दे चलदियां पछमी जापान विच हुण तक 14 लोकां दी मौत हो गई है। जापान दे कई शहरां विच तापमान 39 डिग्री सैलसियस तक पहुंच गया है अते इस कारण हड़ विच फसे लोकां नूं बचाउण विच काफी मुश्किलां आ रही ने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एमपी नगर विच प्रेस कंपलैक्स की एक इमारत विच भयानक अग लग गई। अग ते काबू पाने लई अग बुझाऊ दस्ते दीआं 3 गड्डियां मौके ते पहुंचियां। इस हादसे विच अजे तक किसी तरह के जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई। पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली दौरान एक आरजी तौर पर बनाया पंडाल ढह गया, जिस कारण 50 औरतों समेत 90 व्यक्ति जख्मी हो गए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्पताल जाके जख्मियों का हाल चाल पूछा।